ओके बस बातें बंद करो आप, बातें बंद करो। गुड आफ्टरनून बच्चों, एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर हम पूरे टॉपिक्स खत्म कर चुके, सारा चैप्टर खत्म हो गया। अब इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं, एक टॉपिक जो लास्ट का बचा था वो कट गया, अब उस टॉपिक को करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, फिर कभी टाइम मिलेगा रिविजन क्लासेस के अंदर तो ये टॉपिक मैं करवाऊंगा जरूर, इसे छोड़ूंगा नहीं, एक बार मैं इसको करवाऊंगा या इसकी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा लास्ट टॉपिक लिख के, ताकि आप कभी कर सको। ठीक है जी, अब सुनो मेरी बात इधर गौर से। हमने जो क्वेश्चंस किए, जो कल टॉपिक हमने किया व्हेन द न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया क्योंकि इसके अगला टॉपिक अभी कटा हुआ है। ठीक है जी, तो आओ इसके साथ के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कल आपको कल की क्लास में जाते हुए दिया था, जिसमें मैंने कहा था एबीसी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट अलाउंस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, यही क्वेश्चन था। और एक बैलेंस शीट गिवन थी जिसका टोटल कितना आ रहा था, 2,25,000, और कुछ छोटी छोटी एडजस्टमेंट थी इसके साथ साथ। और मैंने कहा था प्रिपेयर रिवेल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवाइज बैलेंस शीट, और यहां तक कि जनरल एंट्रीज भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, सब कुछ आप कर सकते हो, इनफैक्ट जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमने कल करना था और कल मैंने जाते जाते आपको क्वेश्चन दिया था, आ जाओ इस क्वेश्चन को कम्प्लीट करते हैं। जिसके पास क्वेश्चन है कुछ करके लाओ, घर से कुछ करके लाया, आंसर नहीं आया। रिवेल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट आ रहा है क्या, लॉस कितने का, ये ठीक है रिवोल्यूशन अकाउंट का लॉस ठीक है। इशू तुमने हाथ नहीं लगाया ना खर्चा के, मतलब अब तू भी नंबर लेगी तो पता लगा कि अब नंबर नहीं लाने इसके बाद, है ना। पढ़ाई ओहो मतलब ट्यूशन में बड़ा नोटबुक होती नहीं है, देखा ये प्रॉब्लम। तो लेकिन क्वेश्चन होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए सर। हाँ दीदी तूने क्या किया, कहाँ तक किया, शुरू किया था पूरा नहीं, तुमने किया स्टार्टिंग की, क्या स्टार्टिंग की है, क्या निकाला है, बस इसको तो कोई भी करके नहीं लाया यार। इसका मतलब आज के बाद आपको होमवर्क नहीं देना है कोई भी। मैं पता क्या सोच रहा था, इसके अंदर 16-17 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे आपको करवाने थे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज थी, लेकिन आप बच्चे अगर ऐसे बिहेव करोगे तो मैं नहीं करवाऊंगा, आप बुक के ही क्वेश्चन करो, वही बहुत है आपके लिए, नहीं वो नहीं भेजूंगा, फायदा ही नहीं, जब एक नहीं करिए आपने वो कैसे करोगे आप, मतलब थोड़ी है उसके लिए। मुझे देखो ये इस राइटिंग में क्वेश्चन लिखे हुए आप कहां से समझोगे, मुझे आपके लिए बहुत अच्छे से लिखने पड़ेंगे, लिख के आपको भेजने पड़ेंगे, मैं हैंड राइटिंग में लिखूंगा सजा सजा के, उसके बाद इतना टाइम वेस्ट करूंगा और पता लगेगा तुमने एक भी नहीं किया, फायदा नहीं होगा, मजा नहीं आता, पता देखो मुझे बहुत बहुत गलत लगता है। आ जाओ एक और एग्जांपल करते हैं, इसको छोड़ दो, ये अभी भी आप घर से ही करके लाना, इसको छोड़ दो आप, ठीक है ये क्वेश्चन अभी भी आप घर से ही करके लाना। इसकी बैलेंस शीट टैली करेगी 2,51,400 से, इसकी बैलेंस शीट टैली करेगी 2,51,400 के साथ, अगर आपकी बैलेंस शीट टैली कर गई तो अच्छी बात है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं आज। लिखो ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, सी आया फॉर 1/5 शेयर, लो जी दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, ही हैज ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, सी जो भी गुडविल का शेयर था वो कैश में लेके आया, गुडविल इन कैश, सी जो है वो गुडविल कैश में लेके आया। ठीक है जी, आगे आ जाओ, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, बैलेंस शीट बताएंगे आगे आइए, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, ये बैलेंस शीट दी है फर्म की, आ जाओ फटाफट जल्दी से, यहां लिखा है मशीनरी 1,20,000, मशीनरी 1,20,000, उसके बाद फर्नीचर 80,000, फर्नीचर 80,000, फिर है स्टॉक 50,000, स्टॉक 50,000, फिर सन्डी डेप्टर्स 30,000, और उसके बाद कैश 20,000। ये हमारे पास है बैलेंस शीट का असेट साइड,
और इधर आ जाओ, इधर दिया हुआ है कैपिटल ए एंड बी। ए की कैपिटल है हमारे पास 1,20,000 और बी की कैपिटल है 80,000, तो ये हो गए 2,00,000। उसके बाद जनरल रिजर्व 30,000, उसके बाद क्रेडिटर्स 30,000 और फिर है प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड 40,000। ठीक है जी, मिल गया आपस में 3,00,000 दोनों तरफ आ गया। चलो ये भी 3,00,000, ये भी 3,00,000। ये बैलेंस शीट है, ए और बी पार्टनर है, सी नया आया, कितने शेयर के लिए 150 के लिए गुडविल कैश मिलाया। आ जाओ फिर बोलता है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय ₹5,000। सबसे पहले एडजस्टमेंट है रिड्यूस वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय ₹5,000, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय ₹5,000। फिर कहा डेप्रिशिएट फर्नीचर, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10% एंड एप्रिशिएट मशीन बाय 5%, एप्रिशिएट मशीन बाय 5%। ये सेकेंड हो गई, ठीक है जी। फिर कहता है ₹3,000 ऑफ द डेटर्स, ₹3,000 ऑफ द डेटर्स प्रूव बैक। फिर अ प्रोविजन ऑफ 5% वॉज टू बी क्रिएटेड ऑन डेब्टर्स। ₹3,000 ऑफ द डेब्टर्स प्रूव बैक और अ प्रोविजन ऑफ 5% वॉज टू बी क्रिएटेड ऑन डेब्टर्स। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹45,000, गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹45,000। आपसे कहा प्रिपेयर रिवेल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज बैलेंस शीट, सब कुछ प्रिपेयर करो। ठीक है जी, तो प्रिपेयर करो तीनों चीजें और आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या निकालोगे, क्या ₹3,000 ऑफ द डेब्टर्स प्रूव बैड, बैड बैड डेब्टर्स, ओके। अ प्रोविजन ऑफ 5% वॉज टू बी क्रिएटेड ऑन डेब्टर्स। दो पॉइंट एक साथ मिक्स है, एक साथ दो पॉइंट है, ठीक है जी। चलो आप करो स्टार्ट फटाफट जल्दी से, और बारिश भी हो रही है, वेरी गुड। लो जी, सबसे पहला काम आपने किया होगा स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप गेनिंग भी निकाल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली आपने 2:1 आई सब बच्चों की आगे। उसके बाद सेकंड स्टेप आपने किया होगा गुडविल का ट्रीटमेंट, क्योंकि कैपिटल तो दी नहीं है, तो आपने ऐसे लिखा होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू PFG, ये किया आपने, आ रहा है इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू PFG, ये किया होगा आपने। और कितना था जरा बताना PFG? 15,000। टोटल कितना? 45,000। तो 45,000 का 1/5 आया 15,000। फिर आपने किया होगा पहली एंट्री ये की होगी, फिर इसके साथ ही दूसरी एंट्री यहां की होगी PFG अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, कितनी रेशो में थी? 2:1। क्या आया जल्दी बताओ? 10/5। कितना? 10,000 और 5। बेटे 45,000 फॉर्म की गुडविल थी ना, तो 9,000 आएगा। क्यों, कितनी थी? 1/5 नहीं थी?
उन्होंने क्या करवा दिया? तो 6 और 3 फॉर इसकी इसका शेयर कितना है? 1 सॉरी कितना है? अच्छा आप अपने कर दिया है 9 कर दिए, फिर आपका आंसर नहीं मिलेगा। क्यों बता दिया आपको? अब आपका आंसर है तो देखते हैं, कोई बात नहीं। सर ने नहीं गलत किया होगा। ये ठीक है, ये कितना है 9000, ये कितना है 6000 और 2000 3000। लो 1/5 है, 45000 फॉर्म भी गुडविल थी, उसका शेयर 1/5 था। कैसे किया होगा आपने? ठीक है जी, लो ये 2 एंट्री आपने कर दी, 3 काम आपने कर दिए। इसके बाद आपने क्या किया होगा? रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। आज आप फटाफट देखते हैं, यहाँ आपने बनाया होगा छोटा सा रिवोल्यूशन अकाउंट, फिर यहाँ पे हम बना देते हैं बैलेंस शीट, यहाँ बैलेंस शीट बना देते हैं, और यहाँ हम बना देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है, ABC, ये लो 3 पार्टनर ए बी और सी, ये भी ए बी और सी, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये बैलेंस शीट, और यहां छोटा सा बैंक अकाउंट, और यहां इसकी कैलकुलेशन, इसकी कैपिटल अकाउंट। लो जी 5 काम करने वाले को, इसके बाद तब जाके कहानी बनेगी पूरी। रिवैल्यूएशन अकाउंट में होता है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय ₹5000, बोलो लॉस है कि प्रॉफिट? जल्दी से, स्टॉक 5000, मुझे साथ साथ बता देना यहां स्टॉक कितना लिखा जाएगा। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी बैलेंस शीट में? 45 रह गया। लो चलो आगे देखते हैं फटाफट जल्दी से। फिर बोलता है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%, बोलो लॉस या प्रॉफिट? लॉस। कितना फर्नीचर कितना है? फर्नीचर 80,000, 10% हो गया 8, तो फर्नीचर कितना रह गया? 72,000। लो ये भी खत्म हुआ। बोलता है एप्रिशिएट मशीन बाय 5%, बोलो लॉस या प्रॉफिट? मशीन 5%, करो जल्दी से। 6000। तो कितने की मशीन थी पहले? 26 की थी, अब कितने की हुई? 1/26 की। लो 7 के साथ बनाते हैं, 1,26,000। आ जाओ आगे चले। फिर बोलता है ₹3,000 ग्रुप बैड बैड डेट्स, नुकसान और नुकसान हो गया, बैड डेट्स 3000। फिर बोलता है आगे अ प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएट ऑन सन्डी डेब्टर्स, बोलो कितना है आपके पास? 1,35,000। कितना? बैड डेट्स के बाद, यही पॉइंट दिमाग में डालना, सुनो मेरी बात, दिस इज द पॉइंट, दैट्स व्हाई मैंने आपको करवाया। इधर देखो, पहले उसने कहा 3000 के डेब्टर्स बैड हो गए लिखा था ना, तो डेब्टर्स थे कितने के? 30,000। तो 30,000 में से 3 के बैड हो गए, तो कितने बचे? 27,000। नोट करना, अब यहाँ पे आपको निकालना है 27,000 के ऊपर 5%, ये PFDD याद रखना है इसको, ये पॉइंट नोट दिमाग में डाल लो, ठीक है जी। चलो कितना है बताओ तो जल्दी से। 1,350। वेरी गुड, चलो यही होगा आगे। फिर बोलता है गुडविल का काम खत्म, बस इतना ही है, तो लॉस हो गया प्रॉफिट? लॉस दिख रहा है, लॉस हो गया। ये कितना है? 8, 5, 13, 16, 17,350। तो 11,350 टोटल आया, इसका मतलब 11,350 का लॉस आया। डिवाइड बाय रिवोल्यूशन लॉस, जब बताओ तो क्या है, कितना कितना आया, क्या रेशो थी ए और बी की? 2:1। तो 11,350 को 2:1 में बांट लो जल्दी से। आगे मेरा दोस्त, 11,350 2/5, नहीं पॉइंट में तो नहीं आ रहा, 7,567। क्या रेशो थी? 2:1 वन थी, ओके। 11,350 7,567 डाल दो, 7,567 ये ए का हो गया, माइनस 11,350 माइनस 7,567 3,783 ये बी का हो गया, ठीक है जी, गलत क्वेश्चन हो गया। यहाँ लिखो 2 रेवोल्यूशन लॉस,
7567 और यहां लिखो 3783। लो जी लॉस डाल दो। आ जाओ फटाफट कैपिटल बताओ कितनी थी, जल्दी बताओ। 1,20,80। लो जी सी की कैपिटल है नहीं। और बताओ क्या पढ़ो जल्दी से, यहां पे आने वाला कुछ था और पीएफजी पहले ना पहले वो देखा करो यार, तो तुम देख लेते पहले क्या बोलते हैं बीस हजार और दस हजार। ठीक है जी आगे और कुछ है उस तरफ, है कुछ उस तरफ असेसमेंट प्रोविडेंट फंड जो होता है ना वो रिजर्व नहीं होता, प्रोविडेंट फंड इज फॉर एम्प्लॉइज, ये कंपनी की लायबिलिटी है, पॉइंट नोट करना। प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, इज नॉट अ रिजर्व, नोट करो प्लीज। प्रोविडेंट फंड जहां फंड लिखा है वो सारे बढ़ते नहीं है, प्रोविडेंट फंड जो है वो लायबिलिटी है, इट्स अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, इट इज मेड फॉर एम्प्लॉइज, ये पैसा प्रॉफिट में से नहीं निकाला गया, इट्स फॉर एम्प्लॉइज, ठीक है याद रखना, ये लायबिलिटी है बिजनेस की। ठीक है जी चलो आगे नेक्स्ट है पीएफजी, पीएफजी कितना 6,000। चलो और बोलो बस और कुछ है, चलो अब निकाले यही छोड़ देते इस काम को, बंद नहीं करना इसको, हम क्या निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ सीज कैपिटल। आ जाओ कैलकुलेशन ऑफ सीज कैपिटल वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ सीज कैपिटल ये निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ होल्ड पार्टनर्स, निकालो जल्दी से क्या है फटाफट निकालो। सबसे पहला स्टेप क्या था बोलो, स्टेप वन जल्दी बोलो, स्टेप वन में क्या निकालना था इश्यू एडजस्टेड कैपिटल, तो कितनी आई जरा बताओ 1,20,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000 माइनस 7567 यही 1,38,433 या ए की आई 1,38,433 ओके और बी की निकालो 99,000 माइनस 3783 यही 95,217 99,000 है 93 अरे ये 99 है ना, इसमें से माइनस कर दिया ठीक है 95,217 ठीक है जी, ये दोनों के कैपिटल है, बोलो क्या करूँ जल्दी बताओ क्या करूँ, दोनों को प्लस कर दो ओके प्लस करो कितनी आई सर 8,921,7 आप ना होते तो सच्ची में क्या होता सोचो, अगर आप लोग ना होते तो क्या होता, सारे समय गलत हो रहे होते। 8,921,7 ये बन गए 227,650 अब इसको क्या करें सेकंड स्टेप में, इसको मल्टीप्लाई करें किससे 227,650 इंटू 1 माइनस 1.5 के तो क्या रह गया 5/4 4/5 रेसिप्रोकल हो गया इंटू 5/4 ये की तो पॉइंट में चली गई यार 227,650 8,25/2 आंसर आएगा नहीं 28,456 कर लो थोड़ा धीरे बोले यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे हम। अच्छा ठीक है बाबा गलती हो गई लो 28,456 ठीक है 28,456 ये बन गई टोटल और इसमें से माइनस कर दें 28,456 माइनस 227,650 इसकी कैपिटल है 56,913 5,691,3 चाहो तो तीसरा स्टेप भी कर सकते हो लेकिन दो स्टेप में काम चल जाएगा। दिस इज द टोटल कैपिटल, इसमें से इसको माइनस किया या गए 56,913 ठीक है जी। लो अब इसकी एंट्री करना नहीं भूलना, एंट्री नंबर 3 बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 56,913 लो ठीक है जी। हाँ जी 56,013 आ गया, चलो इसको क्लोज करें, अब इसको क्लोज करें, अब इसमें कुछ नहीं है, इसके मिलने के चांस वैसे कम है इस सेक्शन में। लो कितना हो गया
146,000 ये कितना हुआ 146,000 और 146,000 में से माइनस किया हमने 7,5,6,7,138,433 ये 146,000 और उसके बाद ये था हमारे पास 93,000 ये भी 93,000 और उसमें से माइनस किया था तो आ गया था 89,217 और ये हमारे पास आई 56,913 ये तो बेचारा सेम है 56,913 इसको ले जाओ यहाँ पे कैपिटल ए बी और सी ये बैलेंस शीट मिलेगी नहीं मुझे पूरा विश्वास ही मिलेगी नहीं मतलब सही बोलना नहीं कभी आपने हाँ। इसमें कुछ गड़बड़ है बता रहा हूँ इसमें कुछ गड़बड़ है करके इसलिए मुझे मालूम है यार देखो पहले करके देखो पॉइंटों में कुछ गड़बड़ आएगी 89,217 ये 284,563 मैं वन नहीं मानता इसमें गलती होगी शुरू में क्वेश्चन लिखवाने में बिल्कुल कोई बात नहीं देखते हैं आज जो आगे चले कैपिटल हो गई और बताओ क्या था बैलेंस शीट साइड में जल्दी बताओ फटाफट से बताओ बैलेंस शीट में और क्या था क्रेडिटर्स कितने हैं 30,000 कोई चेंज नहीं आया और प्रोविडेंट फंड में भी कोई चेंज नहीं आया वो है 40,000 और तो कुछ है नहीं और तो कुछ नहीं है ये बस तीन चीजें ठीक है जी आ जाओ आगे देखते हैं इस तरफ हमारे पास मशीन हो गई फर्नीचर हो गया स्टॉक हो गया सन्डी डेटर्स ये हो गया 27,000 माइनस क्या किया था आपने 1,350 कितना है सन्डी डेटर्स ये 25,000 25,650 ओके उसके बाद क्या आया कैश अच्छा कैश को अपनी बैलेंस बोलो जल्दी कितना है 20,000 उसमें 9,000 ऐड किया पीएफजी 9,000 पीएफजी का आया और सीज कैपिटल 56,913 टोटल कितना हो गया 85,913 लो 85 की लड़की आती है घर से कोई मिल्क लड़ती है 85,913 ठीक है उसके बाद और कुछ है बस टैली कर गया होगा 3,54,563 यार 284,563 प्लस 30,000 प्लस 40,000 354,563 वो मिल रहा है 45,000 प्लस 72,000 प्लस 1,26,000 प्लस 25,650 प्लस 85,910 354,563 लो जी ये हो गया पक्का ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर एक और एग्जांपल ठीक है जी आप बुक के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो बुक के 75 से लेके 81 तक सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन आपको फंसाएगा नहीं किसी भी क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं बस एक बात का छोटा सा और दिमाग में रखना जो अभी तक नहीं आया कभी कभी क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में इश्यू नोट कर बातें बार मत देख कभी कभी बैलेंस शीट के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होता है बैंक ओवरड्राफ्ट सुनो करे मेरी बात एक बार गौर से कभी कभी बैलेंस शीट में आपको ऐसे लिखा आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट तो चलो जब आप बैंक अकाउंट बनाओगे ना इधर बैंक अकाउंट तो बैंक का बैलेंस यहाँ आता है कैश का बैलेंस यहाँ आता है अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा याद रखना इस बात का ख्याल रखना नहीं ये बात भूल जाते हैं आप ऐसा क्वेश्चन आया नहीं अभी तक किसमें बैलेंस शीट के अंदर ना कभी भी नहीं आ सकते कभी भी नहीं और यही क्वेश्चन है पता है बैंक ओवरड्राफ्ट आ सकता है बैंक का बैलेंस तो होता है लिस्ट लिखते हैं बैंक दिखाते हैं बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट कभी कभी बैलेंस शीट में आपको दिया होगा बैंक ओवरड्राफ्ट जो पुरानी बैलेंस शीट है तो जब हम बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है पहले से तो उसको आगे लेके नहीं जाना है यहाँ पे उसको यहाँ एडजस्ट कर देना बैंक अकाउंट में बैंक ओवरड्राफ्ट जो है यहाँ पे एडजस्ट कर देना यहाँ लिख देना बाय बैंक ओवरड्राफ्ट उस पैसे को एडजस्ट कर देना तो सीडी जो है जो पैसा आया उसमें से ओवरड्राफ्ट चुकाने के बाद जो बचेगा वही कैश का बैलेंस यहाँ पे आएगा आप वैसे भी कर दोगे अगर आप यहाँ सीडी पूरा उतार दोगे और बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ लिख दोगे तब भी बैलेंस शीट कैरी करेगी लेकिन क्वेश्चन नंबर कर सकते हैं क्योंकि दो दो बार
क्योंकि हम बैंक अकाउंट मैनेज कर रहे हैं ना, वी आर प्रिपेयरिंग अ बैंक अकाउंट। जब हम बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर ही रहे हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हटाना जरूरी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यानी ये टोटल पैसा आया, उसमें से ओवरड्राफ्ट का पैसा दे दिया, तो अब हमारा जो बचा वही बैंक बैलेंस है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इसके साथ का, जहां बैंक का ओवरड्राफ्ट हो। मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन होगा आपकी बुक में, खुद का ऐसा एक क्वेश्चन होना चाहिए। अरे यार ऐसा एक भी नहीं है क्या? हद है यार, एक भी नहीं है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है। अजीब बंद करो, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो फिर क्या करें आप? नहीं बेटे, पेपर में आ सकता है, ऐसा आया हुआ है चांस, मैंने देखा है। कौन सा क्वेश्चन? 34 पता नहीं रिटायरमेंट का बता दीजिए। आ जाओ ये करते, आ जाओ ये करें, इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। आप मत बुक खोलना, मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ, आप ऐसा लिखो जल्दी से, आ जाओ फटाफट जल्दी से करें। या आप मेरे साथ करो, आ जाओ फटाफट से करते हैं। एक ही पार्टनर, इसमें मजा नहीं आएगा। इसमें एक ही पार्टनर है, देने चाहिए। क्वेश्चन बहुत कम है इस बुक में, पता है, अच्छे से क्वेश्चन इस बुक में कम हो जाएंगे। इसको होल्ड करिए वीडियो को। ओके, तो आप 75 से लेके 81 तक सारे क्वेश्चंस करो, इलस्ट्रेशंस भी करो और प्रैक्टिकल भी करो, ठीक है जी। चलो कल मिलेंगे बच्चों।